सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने रेडमी 5A में MIUI 11 को इंस्टॉल करना चाहते हो और आप नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर होने वाली है। और गाइस, जिन जिन लोगों को जो है अपडेट आया था और अपडेट आने के बाद जो है गायब हो गया, चला गया अपडेट, तो गाइस उनके लिए गाइस ये वीडियो जो गाइस उनका जो गाइस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि गाइस मैं जो है इस वीडियो में जो गाइस MIUI 11 की जो गाइस मैं रोम की लिंक देने वाला हूं और मैं आपको वो रोम भी बताऊंगा कैसे डाउनलोड होगा, ठीक है। तो बहुत से लोग जो है उसको डाउनलोड नहीं कर पाए थे, तो मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि वो कैसे डाउनलोड होगा और आप जो उसको जो इंस्टॉल करने का भी तरीका बताऊँगा और आप जो है आप भी MIUI 11 का जो गाइस मज़ा उठा पाएंगे, ठीक है। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो बहुत से लोग मन में जो गाइज कन्फ्यूज़न हो गई है, अपडेट आया है या नहीं, आके फिर चला गया, सस्पेंड तो नहीं हो गया, गाइज मैं सब कुछ जो आपका इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइज़ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको इतना तो पता लग गया होगा कि रेडमी 5A में MIUI 11 का अपडेट आया था। कौन सा अपडेट आया था? MIUI 11 वर्ज़न 11.0.2.0 का स्टेबल अपडेट आया था। मतलब गाइज ये जो अपडेट आया है ये स्टेबल में आया है, ठीक है, बीटा में नहीं आया गाइज, सिर्फ ये स्टेबल में आया है, ठीक है। तो गाइज ये आप मान सकते हो कि यहाँ पर जो अपडेट आया था, ठीक है। तो गाइज ये अपडेट मैं आपको बताता हूँ, ये दो अपडेट आए थे, दो तरीके के अपडेट आए थे, ठीक है। तो गाइज मैं आपको पहला अपडेट दिखाता हूँ। तो गाइज ये जो है ये 476 MB का जो अपडेट आप देख रहे हो, यहाँ पर आप साइज़ देख लो इसका, ठीक है। ये 475 भी हो सकता है, 476 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सोचना मत, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो ये स्टेबल में आया हुआ है। ये अपडेट किन लोगों के लिए आया है जो कि 10.3.2.0 पे थे, ठीक है, 10.3.2.0 पे थे, ठीक है, उनके लिए ये अपडेट आया था, ठीक है। अब बहुत से लोगों को यही अपडेट जो है गाइज MIUI 11 का 1.4 GB का आया था, लगभग 1.5 GB का अपडेट आया था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेबल में अपडेट आया है 1.4 GB का, और दोनों के दोनों MIUI 11 का ही अपडेट है, और दोनों फ़ोन जो गाइज़ मैंने दिखाए रेडमी 5A ही हैं, ठीक है। तो गाइज़ आप सोचोगे कि यार अब इसमें से ये वाला अपडेट भी आया है, ये भी, ये वाला भी अपडेट आया, दो अपडेट आया, कौन सा करूँ, अपडेट नहीं करूँ, ठीक है। तो गाइज़ ये जो अपडेट आया है ना, ये अपडेट आया है उनके लिए जो कि है नौगट पे, ठीक है, नौगट पे 10.1.1.0 पे, जो गाइज जो 10.1.1.0 पे जो नौगट पे है ना अभी फ़िलहाल, उनके लिए ये अपडेट आया था 1.4 GB का, इन लोगों ने इकट्ठा ही दे दिया, ठीक है। तो गाइज़ अब जो है 10.3.2.0 पे हैं, जो कि अभी फ़िलहाल बहुत से लोग हैं जो कि अभी 10.3.0 पर ही हैं, ठीक है, तो गाइज़ उनके लिए ये वाला अपडेट आया था। गाइज़ ये अपडेट आया था और आके चला गया था, ठीक है। दोस्तों इसमें जो है गाइज़ कोई जो है मतलब कि प्रॉब्लम बग्स थे, ठीक है, तो गाइज़ वो जो है शाओमी फिक्स करके दोबारा से अपडेट देगी। अब जो जो लोग जो है इसको डाउनलोड नहीं कर पाए, मतलब जो है MIUI 11 इंस्टॉल नहीं कर पाए, तो गाइज़ वो उन लोगों को जो है मैंने रोम के, तो गाइज़ मैंने जो है दो रोम की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। एक तो ये वाला होगा, एक का साइज़ इतना होगा, ठीक है, और एक का साइज होगा 1.4 GB, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने दोनों के दोनों ही रोम की जो है गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में जो गाइज दे दी है, ठीक है। जो नौगट पे है वो ये वाली रोम इंस्टॉल कर लेना, और जो जो कि ओरियो पे है 10.3.2.0 पे, वो ये वाली रोम इंस्टॉल कर लेना, और ऊपर जब आपकी डाउनलोडिंग पे लग जाए तो ऊपर साइज़ देख लेना कितना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रोम जो है गाइज डाउनलोड कैसे होगी और इंस्टॉल कैसे होगी। तो गाइज़ चलिए, तो गाइज़ जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, सिंपली आपको उस पर टैप करना है, ठीक है। मैं सब कुछ लिख दूंगा, कौन सी फाइल है, कितनी MB के साइज़ है, ठीक है। तो गाइज़ सिंपली आपको उस पर टैप करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ। तो डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद जैसे आप उस लिंक पर टैप करोगे, तो सिंपली जो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। तो आप सोचोगे कि यार ये कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है, ये गाइज थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं है, ये मेरा ही ब्लॉग है, मतलब मेरी ही वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनसेन कृष्णा आपको दिख रहा होगा, ये मेरा ही है blogspot.com। तो गाइज़ आप जो है इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। सिंपली आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन दिख जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर जो है डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर जाओगे, तो गाइज़ यहाँ पर जो है आपको एक वेबसाइट पर ले आया जाएगा, जो कि गाइज़ मैंने जो है ये जो है मैं शॉर्ट करके जो गाइज़ मैंने वेबसाइट दी है, इससे गाइज़ क्या होता है, इससे गाइज़ थोड़ी अर्निंग वगैरह होती है, ठीक है, पैसे वैसे मिलते हैं, ठीक है।
तो मैंने सोचा कि थोड़ी अर्निंग वगैरह हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है, जब आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे तो आप ये मत सोचना कि ये कोई रीडायरेक्ट थर्ड पार्टी है गाइज, अर्निंग की मतलब इस पर आपको जो है यहाँ पर जो है आपको डाउनलोडिंग लिंक मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इधर उधर मत पागल हो जाना कि मतलब इधर इधर कहीं पे है ही नहीं यार, ठीक है। सिंपली आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर स्क्रॉल डाउन ऐसे करना है ऊपर नीचे, तो आपको जो गाइज एक जो है कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे कि ये मैं पूरा एंड में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाइज ये कंटिन्यू का बटन जो है आप देख सकते हो, आप जब सबसे लास्ट में आओगे तो आपको ये कंटिन्यू का बटन मिलेगा। लेकिन ये अभी आप देख सकते हो गाइज, ये जो है अभी फेड है, मतलब कि अभी फीका है, ठीक है। जब ये पूरा डार्क हो जाएगा तब मतलब आप इस पर क्लिक कर सकते हो, अभी ये क्लिक अभी इस पर क्लिक नहीं होगा। तो गाइज इसको जो है डार्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको ऊपर जाना पड़ेगा। आपको जो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन आप दिख रहे हो, ये आपको जो ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर कॉप कैप्चा फिल करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, कोई इस बॉक्स के अंदर टिक कर देना है, क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सिंपली आपको एक जो है ऐसे यहाँ से कैप्चा का आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद जो है ये आपको यहाँ पर क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको फ़ोटो देखने को मिलेगी। फिर आप जो है परेशान मत होना कि यार ये क्या आ गया, सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फायर हाइड्रेंट्स। तो गाइज फायर हाइड्रेंट्स का मतलब आपको पता होगा कि फायर हाइड्रेंट्स क्या होते हैं, ये वाली चीज़ ये फायर हाइड्रेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको कार भी पूछी जा सकती है। तो गाइज यहाँ पर जो जो भी यहाँ पर इन लोगों ने पूछा है आपको, सिंपली आपको उस पर ही मतलब जो है टिक करना है, ठीक है। तो हमने जो है आपको फायर हाइड्रेंट्स पे, तो गाइज मैं यहाँ पर जो टिक करता हूँ, तो गाइज ये मैंने जो इसको सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। तो सिंपली जो वेरीफाई नीचे, तो गाइज़ यहाँ पर जो है आप देख सकते हो मेरा जो गाइज़ यहाँ पर वेरीफाई हो गया, ग्रीन टिक लग गया है, ठीक है। ग्रीन टिक लगने के बाद जो है सिंपली आप आपको नीचे आना है सबसे लास्ट में। तो गाइज़ यहाँ पर आपको डाउनलोड के किसी बटन पे क्लिक नहीं करना है सब। तो गाइज़ सिंपली जो है आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो गाइज़ ये डार्क हो गया सिंपली, ठीक है। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इसने जो आपको नेक्स्ट पेज पे जो है भेज दिया है। तो गाइज यहाँ पर जो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये देख सकते हो, यहाँ पर सेकंड चल रहा होगा दोस्तों, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा ना, जीरो होने के बाद जो है गाइज यहाँ पर आपको गेट लिंक का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको इस पे ओके करना है, आपकी फाइल डाउनलोड पर लग जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको डाउनलोड क्लिक क्लिक करके दिखाता हूँ और बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये गाइज एक बारी में ना हो तो आप दोबारा से आ जाना, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मेरे को लगता है फाइल डाउनलोडिंग लग गई है, ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो फाइल डाउनलोड पे लग गई है, ठीक है। तो गाइज ये डाउनलोड होने लग गई है, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ, ठीक है। ये तो इस मैंने इसको पॉज कर दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल कैसे करना है इसको, ठीक है। मान लो कि आपकी फाइल डाउनलोड हो गई है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग में। तो डाउनलोड होने के बाद जो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, फिर आपको अबाउट फ़ोन में जाना है, फिर आपको सिस्टम अपडेट में जाना है। सिस्टम अपडेट में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। थ्री डॉट पे ये वाला थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर आपको जो है चूज़ अपडेट पैकेज पे क्लिक करना है, ये वाले पे, ठीक है। सिंपली आपको चूज़ अपडेट पैकेज पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ आपका जो फ़ोन है 50% 50 या 60% आपका फ़ोन एटलीस्ट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो आपको फ़ाइल जो है मैं आपको डाउनलोड करके जो मैंने बताया, तो गाइज़ वो जो फ़ाइल आपकी कहाँ पे डाउनलोड हुई है वो आपको जो है ढूंढना है। आपके डाउनलोड के फ़ोल्डर में होगा, अगर आपने यूसी ब्राउज़र से किया तो यूसी के ब्राउज़र के फ़ोल्डर में होगा वो। आपको फ़ाइल जो है यहाँ पर जो हमने अभी डाउनलोडिंग पर लगाई थी, उसी फ़ाइल को पूरा डाउनलोड करके जो गाइज़ यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको ओके का बटन प्रेस कर देना है। फिर आपकी जो फाइल जो गाइज यहाँ पर इंस्टॉलिंग होने लग जाएगी, फिर आपके फ़ोन में भी MIUI 11 का जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप भी जो है मज़ा उठा पाओगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करना, हो सके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एक रेडमी या रेडमी शाओमी के यूज़र हो तो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।